तो जैद भाई को देख सकते हैं आप, हम आए हैं एसी ठीक करवाने। इस कार में एसी चलता नहीं है तो। हेलो एवरीवन, आज गोलू ने हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। yes. तो हमारे साथ पहले तो सबसे पहले बने रहिए एंड तक, है ना? एंड तक क्यों बने रहे हैं? एंड तक बने रहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अभी हम एसी कुछ एसी, नहीं सही मैं कह रही हूँ कि हम लोग गाड़ी का कुछ काम कराना था, तो ये कराने के बाद हम लोग जाएंगे। अभी छोटा मोटा मैं और अंकल जी जाने वाले, मैं आपको बता ही देती हूँ, सस्पेंस रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं और अंकल जी जाने वाले हैं कहीं कहीं अपनों के यहाँ जाने वाले हैं। उसके लिए थोड़ी बहुत मुझे परचेजिंग करनी है, कुछ कुछ लेना है, तो हमें सुबह निकलना है। और यहाँ दिल्ली में मैं आपको बताऊँ इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि पूरे दिन निकला नहीं गया। आपको पता है कि मेरी थोड़ी हेल्थ इशू चल रहे हैं, पूरा दिन हम नहीं निकले हैं और 6 बज रहे हैं। बोलो 6 बजे थोड़ा मन किया है कि चलो चलते हैं, कर लेते हैं जो काम करना है। और ये काम 3 दिन से पेंडिंग था, 3 दिन से हम लोग सोच रहे थे कि आज चलेंगे। गोलू भी घर में ही था, उसके एग्जाम चल रहे हैं तो वो प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपरेशन घर पे ही कर रहा है। तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा कितना टाइम लगेगा? ओके। और यहाँ हमारी गाड़ी हो चुकी है डन। और अब हम कुछ खाएंगे क्योंकि पेट में ना चूहे जग गए हैं, है बोलो। तो ले चलो अग्रवाल जी के यहाँ। और यहाँ गोलू ले रहा है मोमोज, गोलू को मोमोज पसंद है, चलो मोमोज ले लो भैया, देंगे भैया। और ये रहा मोमोज और ये कोक, और ये रहे गोलू भैया। अरे मोमोज का मतलब आपको पसंद है ना, तो दो मिनट वेट करो, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा, ठीक है। कैसा है पनीर है? मगर मैं सोच रही थी भूल गए डालना, मेरे में देखना खाली सोयाबीन है, ठीक है ना, चलो कोई नहीं। और यहाँ लगी है KGF, कब दिखाएगा गोलू? हाँ बेटा, नाइस क्वेश्चन। KGF मेरा मन नहीं है, इतना मार धार वाला ना मुझे अच्छा नहीं लगता देखने में। और इसके बाद हम चल रहे हैं अपने विशाल मेगा मार्ट, है ना गोलू? हाँ। वो है गोलू, है गोलू, कैमरामैन गोलू है और मैं शूट कर रही हूँ, देख रहे हैं आप। अच्छा और आज कौन सा गाना गा रहा था पूरे दिन? चांदनी। अभी मेट्रो आ जाए खट से, अच्छा लगेगा ना। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, तो किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू आ कर या ना कर, और आ चुके हैं हम विशाल मेगा मार्ट, जो दिख नहीं रहा है, दिख गया। ये हमारा विशाल है मगर इसका दिल बहुत छोटा है, है ना? विशाल नहीं है, छोटू है। ये छोटू ही है, छोटू नाम ही बस रख दिया है विशाल, छोटू मार्ट। हाँ छोटू मार्ट है, बगल में खुल गए हैं रिलायंस ट्रेंड, इसमें भी आएंगे हम, इसमें आएंगे आप लोगों की दीदी के साथ, वो ही कर पाएंगे शॉपिंग। हाँ इसमें इसका हमें कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए कूलिंग अच्छी कर रहा है। कितना तो आगे पीछे करता है गोलू, रोड पे नहीं लगा सकते ना? लगा दे बेटा, इंडिया है। यहाँ हम आ चुके हैं यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट, और यहाँ पर गोलू
टी शर्ट पसंद करते हुए। आया कुछ पसंद? एक मैंने तो ये ले लिया, इस बार सबको यही कलर दे रही हूँ। हाँ लाइट है ये वाला कलर, ठीक है डार्क। हाँ कौन सी? स्पोर्ट्स वाली नहीं लेनी है? बिल्कुल नहीं, 99 में ही है, ले लो। लाइट कलर अवॉइड करें, माँ का ध्यान रखें, डार्क कलर रखें। और हम जा रहे हैं नीचे जो गर्ल्स सेक्शन है वहाँ पर, देखते हैं कुछ पसंद आया कि नहीं। एक ये एक जैसा ही लिया इस बार, मुन्नू राखी रीचा सब एक। इनको चलने का मन हो नहीं रहा है क्योंकि चला ही नहीं जा रहा, कभी चलती नहीं है ना घर से बाहर निकल के गाड़ी। और आओ, और हम लोग फिर से थक गए हैं शॉपिंग करके, क्योंकि वहाँ इतना सफोकेशन है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मन एकदम खराब हो गया, तो अभी मन घबराने भी लगा, तो बोलो गया जूस लेने, तो जूस पीते हैं हम, उसके बाद घर चलेंगे, घर देखते हैं। मीडियम 80 और मिक्स फ्रूट 50। मिक्स फ्रूट ले लो, दोनों ले ले। हाँ दोनों मिक्स फ्रूट, नहीं मिक्स फ्रूट ही चलेगा। मिक्स फ्रूट पीते हैं और फिर घर चलते हैं। शायद बता ही दिया कि हम अम्बाला जा रहे हैं, मेरी जो ननद है यानी उनका कोई हेल्थ इशू था, मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मैं खुद भी बीमार चल रही हूँ। और हेल्थ इशू ये था उस टाइम पे, उनको कोई मतलब सर्जरी हुई है, तो गए नहीं हम लोग अम्बाला, यानी साक्षी के बुआ के यहाँ जा रहे हैं हम। कल सुबह सुबह की ट्रेन है हमारी, मैं और अंकल जी खाली जा रहे हैं, और मैं अंकल जी जाएंगे और रिटर्निंग हमारी नेक्स्ट डे की है, तो हमारे साथ बने रहिए। वहाँ पे भी दिखाऊंगी मैं, वहाँ मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई है, यानी कि मेरी मम्मी आई हुई है सासू माँ, उनसे भी मिलवाऊंगी। और ये आ गया मेरा जूस, कितना वो है, मेरा भी खा रही है, अपना भी खा लिया। क्या ही बोलूं मैं, आजकल की कलयुग की मम्मियां ऐसी ही होती हैं। चिन चिन के खा रही हूँ। बोलो ने शेक पिया था, उन शेक बनवाया। मैंने कहा मैं भी देखती हूँ, मैंने बोला आप भी ट्राई कर लो, ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन क्रीम डाल देते तो लेकिन मुन्नू ज्यादा अच्छा बनाती है। मेरी मुन्नू और हम चारों के लिए बनाती है, ये तो एक ही था। सही बात। और यहाँ हम आ चुके हैं, साथ ही साथ अंकल जी भी आ गए, चलो हेलो कर दीजिए। मैंने बताया सभी को कल हम कहीं जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक, है ना। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हाँ, और बेल बटन दबाना ना भूलिए। हाँ, बेल जो बटन है वो प्रेस कर दीजिए, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तभी, है ना। हम भी अभी आ रहे हैं, उसकी है अभी अभी पानी वाने में, आज हमने बहुत मजे किए, मैंने और गोलू ने कहाँ गए, मोमोज खाया, जूस पिया। आज मैंने कहा गोलू पार्टनर है मेरा, तो चल बेटा आज करेंगे मजे, तो सब कुछ किया। फिर थक गई मैं, विशाल भी गई थी, विशाल गई थक गई, वहाँ आते समय कितना सफोकेशन होता है वहाँ पे,
हम कैमरामैन आ गए हैं क्योंकि 11 बज गए हैं, 11 बज गए ना साहिल। ये देखो ये कौन है बताइए, कौन है गोलू? हर जगह से बिलोंग करते हैं, बिहार से भी बिलोंग करते हैं। तो ये यहाँ पे साहिल है, कितने 2-3 दिन से है अभी। तो साहिल को मैं शूट, मतलब इतने दिन से हम कुछ कर भी नहीं रहे थे ना। हाँ थोड़ा ना तेज बोला कर, आवाज में जान होनी चाहिए। क्यों पापा सो रहे? तो मिस्टर चकोर बोलिए। ऐसा नहीं है गोलू, मैंने कहा ये देख 4 दिन से रह रहे थे, मेरे जो घर आता है ना कोई भी तो व्लॉग में जरूर आता है। हाँ तो मैंने कहा कि आज लास्ट है, कल तो हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे, और निकलेंगे टाइम दिखाती हूँ मैं। देखो 11 बजे है, मैं इसने काट दिया था। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैंने साहिल को लिया, इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि फ्रेंड है साहिल और हम सुबह निकल जाएंगे, साहिल भी चला जाएगा तो कैसे मिलते, इसीलिए। बेटा 11 बज रहे, खाना खाओ। और आज मैंने दाल चावल बनाया, इतने दिन से दाल चावल नहीं बन रहा था, तो अंकल जी ने बोला आज ना दाल चावल बना के खिला दो उसको, बिहार के घर। मगर पकोड़े भी होने चाहिए थे, गोभी वोभी के ना, कुछ हो नहीं पाया। तो खाना खाएं, 15 मिनट मतलब आधा घंटा ठीक। और यहाँ पर मैंने बनाया दाल, ये रही भुजिया आलू की, ये रहा दिन का जो बचा हुआ है ना तोरी, ये भी खिलाऊंगी सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह। और ये रहा चावल, और साथ में रहेगा हमारा, साथ में रहेगी दही, रायता नहीं रहेगा, दही रहेगी। तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ये लोग खाना पीना कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, कब खाना है कब नहीं खाना है। बच्चे हैं, अपना कुछ करते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, तो मैं नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब करती हूँ, मैं अपना इधर लेती हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं, 11 बज चुके हैं, पूरा 11 बज चुका है। अंकल जी सो गए हैं, अंकल जी को एज यूजुअल मुझे डेली उठा के खिलाना पड़ता है, और 9:30 में बोलूंगी ना खा लो, 9:30 में नहीं खा सकते, नहीं अभी नहीं, तो क्योंकि लेट आए आज, तो थोड़ा सा बात बात में लग जाते हैं, तो आते ही फिर जल्दी से खा लो ये भी नहीं अच्छा लगता रहता है, थोड़ा रिलैक्स होते होते उनको नींद आ जाती है। मैं सोचती हूँ 1-2 घंटे की नींद लेने देते, उठा के खिलाएंगे, और निकलना है हमें सुबह सुबह। अगर अच्छी लगी हो वीडियो हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए, अम्बाला कैंट जा रहे हैं हम, अम्बाला घुमाऊंगी सब कुछ, अगर हो सके तो जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ ननद को भी दिखाऊंगी, बच्चों को सबसे मिलने वाली हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जबकि मेरी तबीयत खराब लग रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, मगर फिर भी कोई बात नहीं चलेंगे। और अंकल जी अकेले जाने वाले थे, मगर मैंने कहा नहीं मुझे भी जाना है, काफ़ी दिन हो गए वहाँ गए हुए, अच्छा लगता है। हाल समाचार भी पूछने जाते तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाल फिलहाल में मैंने 3-4 दिन से शूट नहीं किया, क्योंकि शूट इसलिए नहीं किया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, वो है अभी भी है, मेरे घर भी आ रहे हैं लोग मुझे देखने, बहुत सारे लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो बीमार हूँ तो क्या, बैठ के जाना है ट्रेन में, ट्रेन से ही आ जाना है, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और देखिए पसीना, लाइट भी गई हुई है, एसी बंद है, यहाँ पे फैन भी बंद है, यहाँ मैंने फैन भी बंद कर रखा है। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो, बहुत सारी बातें करनी होती है, करेंगे कभी फुर्सत में, तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए चैनल को। व्यूज़ कम आ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए क्या कंटेंट लाएं, ये भी बताइए जरूर कमेंट। कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि सर दर्द की प्रॉब्लम है, इसके लिए भी मुझे जाना है, और इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिए, कमेंट करिए, रीड कर लेती हूँ मैं, सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो मिलते हैं।